दोस्तों ये है गीक कैलेंडर A8 वैक्यूम क्लीनर, जो कि है कंप्लीट वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। मींस ये पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है, इसमें किसी भी तरह से तारों का झंझट आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस वायरलेस वैक्यूम क्लीनर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, जानेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, असेंबलिंग और यूजेस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि एक आम वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में ये वैक्यूम क्लीनर कैसे हमें ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपसे है गुजारिश कि कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो जल्दी से मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वैक्यूम स्टिक मिलेगी, जो कि रेड मैरून कलर के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा एक यूजर मैनुअल मिलेगा, जिसको आप रीड करके इसका यूजर सीख सकते हैं। मैं वीडियो में आपको आगे सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको एक कंट्रोलर मिलता है, जो कि कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आपको मिलता है, जिस पर एक बटन लगा हुआ मिलता है, जिससे आप वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा एक अदर बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक फिल्टर मिल जाता है, जिसके अंदर आप डस्ट को कलेक्ट करेंगे जब आप वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं। इसे आप ओपन करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फिल्टर देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर तीन तरह के हेड मिलेंगे देखने के लिए इसके अंदर, जिसमें से पहला हेड है वो फ्लोर हेड है। आप इसको फ्लोर के अंदर इसको यूज करेंगे, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसको किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, छोटी से छोटी जगह में भी ये हेड पहुंच जाता है। इसके अलावा कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए एक और हेड मिलता है, इसका यूज मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा एक क्लिप मिलती है और एक पावर अडेप्टर मिलता है, जिससे आप इस वैक्यूम क्लीनर की बैटरी को चार्ज करेंगे। इसके अलावा एक और हेड मिलता है, जिसके ऊपर ब्रश के ब्रिसल्स भी लगे हुए हैं, जो आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा कि किस तरह से यूज होता है। ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट होने वाला है। इसके अलावा एक और बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर हमें वॉल माउंट मिलती है। इसके अलावा एक बैटरी मिलती है। चलो बैटरी आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये कितनी एमएच की है। ये बैटरी 2200 mAh की है, 2200 mAh की है। इसको एक बार चार्ज करने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे, और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये वैक्यूम क्लीनर लगभग 25 से 30 मिनट आसानी से काम करता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ स्क्रू मिलते हैं, जो कि इसे वॉल माउंट करने के काम आते हैं। कुल मिलाकर ये सारी एसेसरीज हमें मिलती है इस बॉक्स के अंदर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसे असेंबल कैसे किया जाता है। असेंबल करना बहुत ही आसान है, सिंपली आपको कंट्रोलर को फिल्टर के साथ कनेक्ट करना है, और ये इस बटन से आप अनमाउंट कर सकते हैं, और ये लगाते ही माउंट हो जाएगा। अनमाउंट करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको वैक्यूम स्टिक को इसके ऊपर माउंट करना है। बिल्कुल आसानी से ये माउंट हो जाएगी, बटन प्रेस करके आप इसको माउंट या अनमाउंट कर सकते हैं। अब बस इसके आगे हेडर लगाना है, जो भी आप अपने यूज के हिसाब से इसका हेड क्लीनर लगा सकते हैं। कोई भी हेड क्लीनर जो भी आप यूज करना चाहते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार आप उसको माउंट कर सकते हैं। मैं तीनों तरह के हेड को लगाकर आपको दिखा देता हूं। फ्लोर हेड काफी हद तक फ्लेक्सिबल है, इसे आप आसानी से किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। चाहे आप इसको टेबल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, टेबल के नीचे भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमें बैटरी को इसके अंदर डालना है। बैटरी को डालना बहुत ही आसान है, सिंपली आपको इसके अंदर प्लग करना है और ये अंदर चली जाएगी। निकालने के लिए आपको ये रेड बटन प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ से खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप रेड बटन नहीं दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बैटरी अच्छे से फिट हो गई है। चलिए अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। सिंपली बटन को प्रेस करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका हेड किस तरह से काम कर रहा है, और ये काफी हद तक काफी अच्छे से वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यूज करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। टेबल के नीचे आपका मोस्टली हाथ नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है, तो आपको किसी भी तरह का तारों का झंझट नहीं है। तो ऐसे किसी भी एरिया में आपको इसे पहुंचाना बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का तार को
किसी भी प्लग से लगाना नहीं पड़ता, तो वायरलेस वैक्यूम क्लीनर की यही सबसे ज्यादा खासियत होती है। कई बार डस्ट बहुत ज्यादा हैवी होती है तो उसको उठाने के लिए इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर टर्बो मोड भी दिया गया है। टर्बो मोड के बटन को क्लिक करने के बाद इसकी स्पीड लगभग डबल हो जाती है और ये हैवी डस्ट को भी उठाने में काफी यूजफुल हो जाता है। क्योंकि ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है तो आप इसको स्टेयर्स पे भी आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको स्टेयर्स पे भी यूज कर सकते हैं, किचन की सेल्फ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ मसाले वगैरह गिर जाते हैं तो भी। और इसके अलावा अगर अदर हेड्स की बात की जाए तो उनका यूज भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे ये ब्रश वाला हेड है तो आप इससे भी इसको यूज कर सकते हैं, कॉर्नर्स में क्लीन करना हो तो ये ब्रश हेड काफ़ी हद तक कामयाब है। वीडियो में आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छे से काम करता है। कंप्यूटर्स या लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं वहाँ पर बहुत अंदर तक डस्ट चली जाती है, तो वहाँ पर भी ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड्स को यहाँ से क्लीन करके दिखा रहा हूँ। ये कंप्यूटर के कीज़ के अंदर फंसी हुई मिट्टी को भी निकालता है। हमारे घर में बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँचते या हमारे वाइप्स नहीं पहुँचते हैं, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर वहाँ पर भी काफ़ी यूजफुल है। सिंपल मोड में मैं आपको करके दिखा रहा हूं और इसके बाद जब डस्ट नहीं निकलती है तो मैं उसको टर्बो मोड में यूज करता हूं, तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। क्योंकि ये वायरलेस है तो इसे कहीं भी कितनी भी नीचे ले जाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसका यूज किया जा सकता है। दीवारों में लगे मकड़ी के जाले भी क्लीन करने हों, क्योंकि वहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अब बात करें इसकी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग करना भी बहुत ही आसान है। नीचे सिंपल सा बटन प्रेस किया और डस्टबिन में इस फिल्टर का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां से आप डस्ट को अपने डस्टबिन में फेंक सकते हैं जो भी आपने कलेक्ट की है। ये वॉशेबल भी है, सिंपली इसको खोलोगे, आप फिल्टर को अलग करोगे और फिल्टर को अलग करने के बाद आप इसको सिंपली टैप के नीचे लगाकर इसे धो सकते हैं। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से इसको धोएंगे। अब बात करें चार्जिंग की, तो चार्जिंग करना भी बहुत आसान है। सिंपली इसकी बैटरी निकाली और इसके ऊपर चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद आपको इसको सीधा प्लग पे लगाना है तो बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। लगभग 4 से 4.5 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में, और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये 25 से 30 मिनट आसानी से निकाल जाता है। नॉर्मली इस तरह के पोर्टेबल या वायरलेस वैक्यूम क्लीनर आपको 25 से 30,000 की रेंज में मिलते हैं, लेकिन इसका प्राइस है सिर्फ 9,999 रुपये। इसके अलावा कुछ डिस्काउंटर्स भी चलते रहते हैं इस वैक्यूम क्लीनर पर, उसके बारे में डिटेल मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।